खाना लगाऊं? क्या इतनी पी रखी है कि भूखी नहीं? मारो मारो यशोदा, जितने ताने मारने हैं मार लो, जितने ताने मार सकती हो मारो। अक्षय क्या किया आपने? ये रहने दो बेटी, रहने दो यशोदा, छोड़ दो मुझे, मत फिक्र करो मेरी इतनी। वैसे भी इस घर में किसे परवाह है मेरी, मैं मरूं या जीऊं कौन पूछता है, सब के सब मुझे पराया समझते। तुम भी क्यों करना चाहती हो मेरी मरहम पट्टी? तुम्हें क्यों? बहुत बुरा इंसान हूं ना मैं, बहुत बुरा, पर कभी सोचा यशोदा, मैं हमेशा से तो ऐसा नहीं था ना, मुझे ऐसा बना दिया मेरे परिवार ने, तुमने, सब के सब मुझे बेगानी नजरों से देखते हैं, सबने आंखें चुरा रखी हैं मेरे से, तुम्हें मेरे ये जख्म तो दिखाई देते हैं यशोदा, लेकिन मेरे दिल का जख्म दिखाई नहीं देता। बहुत दुखता है यशोदा, बहुत दुखता, हर पल अंदर ही अंदर मरता रहता हूं। मैं टूट गया। राकेश मत रोइए प्लीज, रोने नहीं तो यशोदा, मुझे रोने नहीं, मेरे गम को आंसू में बह जाने तो यशोदा, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, यशोदा मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो यशोदा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता यशोदा, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अपने गुनाहों की, मुझे मत छोड़ना यशोदा, मुझे मत छोड़ना मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, यशोदा मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो यशोदा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता यशोदा, ज्यादा दर्द तो नहीं? अब ठीक है। आज डॉक्टर के पास? हाँ, मैं बाद में चला जाऊंगा।
चाय लेकर आती हूँ। नमस्ते बुआ अम्मा। तू? तू पहचानत है हमें। वो दिन का है अनजान बने का नाटक करत रहा। सच सच बता, देख सच सच बता, हमें क्या करे आया है यहाँ? सुबह सुबह गोपाल जी को नमस्कार करने और आपका आशीर्वाद लेने। आप जानती हैं ना बुआ अम्मा, इलाहाबाद में इलाहाबाद नहीं है, ये रिमझिम का ससुराल है, समझियो कि नहीं? ये रिमझिम का ससुराल है। तू तो हमसे वादा किया रहा ना कि रिमझिम के रास्ते में आप कभी नहीं आई। तू कब भूल गई है? मैं तो भूल ही तो गया। तो अचानक यहाँ काहे आया है? काहे रिमझिम का जीवन नरक बनाए की कोशिश करत है? शायद पूरी तरह से भूल नहीं सका बुआ अम्मा। देख राज, इस तरह की बातें कहना और सोचना दोनों पाप है। कहना पाप हो सकता है बुआ अम्मा, लेकिन सोचना Thank you.
का काम कर रहे हो भैया? ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये शर्मा ग्रुप का काम काहे कर रहे हो भैया इस कुर्सी पे बैठ करके? तुम किसके कर्मचारी हो? ओम ग्रुप के हैं? तनख्वाह किससे लेते हो? ओम ग्रुप से। तो फिर ये क्या हो रहा है? शुक्ला जी यहाँ आइए। शुक्ला जी एक बात बताइए हमें कि इस ऑफिस में लोग शर्मा ग्रुप का काम काहे कर रहे हैं? हैं? नहीं एक बात बताइए, ये लोग तनख्वाह लेते ओम ग्रुप से, कर्मचारी ओम ग्रुप के और काम कर रहे हैं शर्मा ग्रुप का, ऐसा कैसा चले? देखिए शुक्ला जी, अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लीजिए कि इस ऑफिस में जो भी काम होएगा ओम ग्रुप का होएगा, शर्मा ग्रुप का नहीं होएगा। आगे बात समझ में? क्या हो रहा चाचा जी? अरे कुछ नहीं बिटुआ, हम जरा इन्हें समझा रहे थे कि भाई यहाँ इस ऑफिस में जो दाम देता उसका काम करो, है तनख्वाह लेते हैं क्या नाम से ओम ग्रुप से और काम करते हैं शर्मा ग्रुप का, ऐसा कैसे भैया? तो इसमें क्या हो गया? अरे नहीं बिटुआ, जिससे तनख्वाह लेते हो उसका ही तो काम बजाना चाहिए ना भाई। देखिए चाचा जी, ओम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में आप कोई फर्क नहीं रखेंगे, पगार चाहे ओम ग्रुप देता हो या शर्मा ग्रुप, उससे इन्हें क्या फर्क पड़ता है? नहीं देखिए शुक्ला जी, ओम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के फंड्स आप शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करवा दीजिए और आज से सैलरी शर्मा ग्रुप देगा इन्हें। और उस दिन जब आप मुझे इंक्रीमेंट की लिस्ट बता रहे थे, जरा मेरे केबिन में लेकर आइए। जी बिल्कुल। क्या कहते हैं प्रदीप भैया, जो कुछ भी अभी अभी राकेश भैया ने कहा है, मुझे तो यकीन है कि ये उनकी कोई नई चाल है, आपको क्या लगता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, राकेश भैया इस तरह से बिहेव कर सकते हैं। सच कह रहा हूँ, आई वाज सो अमेज्ड। भाभी को बताते हैं। भाभी, भाभी एक बात बताना चाहता हूँ, आज राकेश भैया का हमने एक अलग रूप देखा। क्यों, अब क्या कर दिया उन्होंने? डरिए मत भाभी, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। आज ऑफिस में वर्कर्स और लेबर्स को साफ साफ बता दिया कि ओम ग्रुप ऑफ कंपनीज और शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज में कोई फर्क नहीं है, बल्कि शुक्ला जी से ये भी कह दिया है कि ओम ग्रुप ऑफ कंपनीज से फंड्स वो शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज में ट्रांसफर कर दें। सच? प्रतीक मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। You're right, भाभी, राकेश भैया की किसी भी बात पे मुझे भी कोई विश्वास नहीं हो रहा। But भाभी, this is a fact. चलो अविनाश। शायद ये मेरी प्रार्थनाओं का ही फल है। जयंती जी, जी बुआ मां, बिटिया तू खुद तो यहां है और तुम्हारा मन पता नहीं कितनी कोसों दूर है। ये जो तू मन ही मन कुड़ा थे ना, देख देख उसे, तोरे चेहरे की मुस्कुराहट पता नहीं कहां खोई गई है। मेरी जिंदगी में अब मुस्कुराहट नाम की कोई चीज नहीं हुआ मां। ना बिटिया ना, ऐसा नहीं कहते। अरे माना कि तोहरे और इंदर के बीच दूरी आई गई है, विश्वास की कमी हो गई है,
पर बिटिया तूने भी तो अपने भीतर इंदर के प्रति कम कड़वाहट नहीं भरी ना। उसने मुझसे कौन सी मीठी मीठी बातें की आज तक? देख बिटिया, दूसरे का मन देखे से पहले अपने मन के अंदर झांक ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तोरा गुस्सा जायज नहीं है, जायज, अरे ये तो तोरा हक है। पर बिटिया, कोनो का भी मन प्यार से जीता जात है, गुस्से से नहीं। चल अब तू भी अपने अंदर की कड़वाहट निकाल दे बाहर। कहना बहुत आसान है बुआ, जानत है बिटिया, पर बिटिया कोशिश करे से तो सारे काम आसान हो जाते हैं ना। तू हमारी बात मान और अपने मन के अंदर प्यार के बीज बो, फिर देखियो कैसन मीठे मीठे फल आई हैं। तू एक बार जाके इंदर को वापस ले आ। वो कब वापस ले आ बिटिया, और फिर उनके साथ प्यार से पेश आ। फिर देखियो इंदर सिर्फ तोहरा होके रह जाई है, ये गारंटी देते तोरी बुआ अम्मा सच्ची। बिटिया तू मानेगी ना हमारी बात, जाएगी ना इंदर के पास? जी बुआ अम्मा। मसाले वाली चाय, थोड़ी देर में खाना लगा देते हैं, दवाई भी खानी है आपको। नहीं नहीं, हम ये चाय नहीं पिएंगे। अरे? और खाना हम एक घंटे के बाद खाएंगे। और दवाइयाँ? दवाइयों का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों, आपने अपना रूटीन बदल दिया है? नहीं जी, हमने तो अपना डॉक्टर ही बदल दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि 5 मिनट पहले हमने हर्बल टी पी, और जिस डॉक्टर ने वो एडवाइस की है उसका कहना है कि हर्बल टी पीने के बाद 1 घंटे इंतजार कीजिए, फिर खाना खाइए और धीरे धीरे अपनी सारी दवाइयां बंद कर दीजिए। वाह 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 वाह। क्या हम जान सकते हैं आपके जो नए डॉक्टर जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो आपको दवाइयां खाने से मना कर रहा है, वो कौन है? अवश्य, वो है, मैं हूँ वो। डॉक्टर साहब। अरे बाबूजी, आप ये चाय पी रहे हैं? मी? नो, रिजेक्टेड। और अगले 1 घंटे तक खाने के बारे में आप नहीं सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। और दवाई के बारे में तो बिल्कुल नहीं? नो, नेवर। तो अब मुझे इजाजत है? जाइए। ओके। सुनो, आज भी मसाले वाली चाय तुम बहुत अच्छी बनाती हो।